नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं जय हिंद किसान एग्रो गुड़गांव में। यहाँ पे आपने देखा होगा कि विदेशी टूल्स हैं वो मिलते हैं, और इन्होंने एक नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं अभी अभी, और वो प्रोडक्ट इतने तगड़े हैं कि ना ही उनके अंदर कोई पेट्रोल का खर्चा है और ना ही किसी तरह का झंझट है। अपने या तो डायरेक्ट बिजली में लगाओ या फिर डायरेक्ट अपनी रिचार्जेबल बैटरी उनके अंदर लगाओ, और बहुत तगड़े तरीके से वो काम करते हैं। तो यही जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बाकी खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये आप देख सकते हैं इधर एक ये जो इंजन ऑपरेटेड एक चेनसा है, इसके बारे में हम कोई जिक्र नहीं करेंगे। और ये है जो अपनी इलेक्ट्रिक जो अपने ट्रिम वगैरह करने के लिए जो पेड़ पौधे कटिंग करते हैं वो एक ये प्रोडक्ट है, और इसी में एक अगला भी यही है। और ये है एक चेनसा जो कि अपने बिजली में इसके वायर लगाओ और इसको चलाओ, ये अपने इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है ये। इसके बाद आता है ये अपने क्यूब कैडेट कंपनी का एक ये चेनसा आता है, इसका भी आपको डेमो भी दिखाएंगे। यह प्रोडक्ट बहुत ही सॉलिड है, भी वजन में काफ़ी लाइट वेट है ये। यहाँ पे इसकी जो चेन है वो लगी हुई है और इसके पीछे बैटरी लगती है। यह एक विदेशी प्रोडक्ट है, और इस कंपनी के यहाँ पे तीन प्रोडक्ट हैं। एक तो हो गया ये चेनसा, इसके बाद आता है एक ये ब्लोवर जो कि हम अपने घर की मिट्टी वगैरह साफ़ करने के लिए या फिर गार्डन में कोई पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं उनको बड़ी आसानी से हम इससे साफ़ कर सकते हैं। और एक ये है ट्रिमर जिसको हेज ट्रिमर बोलते हैं, इसका भी अभी डेमो लेंगे हम। इस हेज ट्रिमर को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। जो ये हैंडल दिया गया है इसके अंदर भी एक बटन है, पहले हम इसको पुल करेंगे, और नीचे जो बटन दिया गया है इसको भी हम पुल करेंगे तो ये चलने लग जाती है। और इसका काम अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही तगड़ा इसका काम है। आप देख सकते हैं कितनी ठीक तरीके से ये अपना कार्य कर रही है। शीशम की लकड़ी आपने देखी होगी काफ़ी मजबूत होती है, इसको बड़ी आसानी से इसने काट दिया है। वैसे जो ये मशीन है अपने भाई जो गार्डन के अंदर अपने पौधे देखे होंगे उनकी कटिंग करने के लिए ताकि वो सुंदर दिखें उसके लिए बनी होती है, मोस्टली पत्ते वगैरह इससे काटे जाते हैं। इसका उपयोग हम जो अपने चाय कॉफ़ी की जो खेती करते हैं चाय की, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं और काफ़ी उपयोगी हमारे लिए रहेगी। इसके बाद बारी आती है जो अपना ब्लोवर है उसकी, जो पत्तियाँ भी काटी हैं उनको ही हम इस ब्लोवर से उड़ाएंगे। ये है ब्लोवर, इसके पीछे ही बैटरी लग जाती है, और सबसे खास बात यह है कि एक ही बैटरी इस कंपनी के जितने ही प्रोडक्ट हैं उन सभी में लग जाती है। और यहाँ पे तीन प्रोडक्ट हैं, ये दूसरे नंबर का प्रोडक्ट है। इसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, इसके एक नीचे बटन दे रखा है, बस सिंपली इसको दबाना है। इसकी पावर का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, ऊपर पेड़ को देखिए कितनी ऊपर तक इसका प्रेशर जा रहा है, ये देखिए। और अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो कितनी दूरी से ये सारे पत्ते वगैरह हैं इसने सबको उड़ा दिया है। लगभग अब मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे लगभग 10 फीट का डिस्टेंस है, ये देखिए 10 फीट तक आगे तक ये जो भी पत्ते वगैरह हैं सबको भाई उड़ा रही है। अगर हम बिल्कुल नज़दीक से अगर दिखाएं आपको इसकी पावर तो ये देखिए, जो इस बैटरी का पूरा जोर भी नहीं लगता उससे पहले जो पत्ते हैं वो आगे की तरफ भाग लेते हैं। बड़ा तगड़ा प्रोडक्ट है ये भी। इसकी जो बैटरी है अगर हम ब्लोवर पे चलाएंगे, जो छोटे वाली बैटरी है उसका बैकअप है लगभग 40 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक, और इसी में एक बड़ी बैटरी भी आती है जिसका बैकअप लगभग 2 घंटे का बताया गया है। तीसरे नंबर का ये प्रोडक्ट है, ये है चेनसा, वही बैटरी इसके पीछे आप देख सकते हैं लगी है, और यहाँ पे इसके स्टार्ट स्टॉप वो बटन है, इस तरफ हैंडल है, साइड से भी पकड़ सकते हैं और सेंटर में से भी पकड़ सकते हैं। और इसके आगे जो इसकी चेन है वो आप देख सकते हैं, और इसकी स्पीड और ताकत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इसकी जो चाल है उससे। कोई लकड़ है नहीं यहाँ पे मोटा, नहीं तो वो भी काट के ज़रूर दिखाते। बाकी जो और दो प्रोडक्ट देखे हैं आपने उनके अकॉर्डिंग इसके बारे में आपका क्या कहना है, कैसा काम करेगी ये, आप अपना भी ओपिनियन बताएं। बाकी मुझे तो लगता है कि ये बहुत तगड़ा काम करने वाली है। इसके बाद जो अपने वोल्फ गार्टन कंपनी है उनके भी प्रोडक्ट हैं, उनकी भी एक बहुत ही तगड़ी खासियत है कि एक ही स्टिक के नीचे कई सारे प्रोडक्ट हैं वो अटैच हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये एक ब्रश कटर टाइप है, और इसको चलाना भी बहुत ही आसान है।
इसका जो ऊपर की तरफ बटन दिया है उसको दबाओ। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। इसके नीचे की ये धागा लगा हुआ है, इसकी क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है। घास फूस को बड़ी आसानी से और बड़े स्टिक तरीके से काट सकता है। और इसको एक खाली एक बटन दबा के हम इसको अनलॉक कर सकते हैं और इसके साथ में हम दूसरी अटैचमेंट लगा सकते हैं इतने ही आसान तरीके से। ये एक ग्रास कटर हम इसको बोल सकते हैं, ये भी इसी तरीके से काम करेगा। इसका अगर हम प्रैक्टिकली करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, जहाँ पे भी कैंची वगैरह नहीं चल सकती, जहाँ पे हमारे भी कोई भी बड़ी टूल है वो नहीं जा सकते, वहाँ पे इसका उपयोग हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट हो गया ये, और इसके जो भी छोटे मोटे घास वगैरह है उसको बड़ी आसानी से हम काटते हुए चल सकते हैं इससे। ये भी बड़े काम की चीज़ है। तीसरा प्रोडक्ट है वो भी अटैच हो जाएगा। ये है हेज ट्रिमर, इसका भी एक ही बटन प्रेस करो और ये बड़े अच्छे तरीके से काम करेगा। इसकी खासियत ये है कि वही कोई ऊंची टहनी वगैरह हैं, ऊंचे पेड़ हैं, उनको भी हम नीचे खड़े खड़े बड़े आसान तरीके से काट सकते हैं। ये थे कुछ बहुत ही तगड़ी विदेशी मशीनें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे और क्या क्या मिल जाता है, कुछ एक हैंड ऑपरेटेड जो अपने सीडलिंग मशीनें होती हैं वो है यहाँ पे। एक ये मशीन है जो कि प्रोट्रे वगैरह में एक ही साथ बीज भरने के काम में आती है। ये भी एक हैंड ऑपरेटेड मशीन है जो कि अपनी नर्सरी वगैरह तैयार करने के काम में आती है। इधर बहुत सारे स्प्रेयर रखे हुए हैं, यहाँ पे आप बहुत सारे पावर टिलर देख सकते हैं, और इधर बहुत सारे अर्थोगर रखे हुए हैं जो गड्ढा वगैरह करने के में भी काम में आते हैं। और इधर जितने भी जर्मन टूल हैं उनकी बहुत बड़ी रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वो भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बाकी जो प्रोडक्ट अभी हमने आपको दिखाए थे उनका डेमो भी हमने दिखाया है आपको। ये प्रोडक्ट आपको कैसे लगे प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदने हैं तो अभी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं इन पे संपर्क करके इनकी सारी डिटेल आप जो यहाँ के कंपनी वाले प्रतिनिधि हैं उनसे आप ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।